ये तरुण प्रज्ञा की कार में आ रहा है क्या? हाँ, शायद प्रज्ञा दी ने दी होगी ना तरुण को आने के लिए। मैं भी बैठी रहूंगी या जाओगी भी? हाँ तरुण तुम चलो, मैं ये फोन पे बात करके आती हूँ। हाँ जी। प्रज्ञा दीदी भी साथ है। You won't believe मेरे साथ कौन है? कौन? शख्स। अब हमारी डेट डबल डेट होने वाली है। मजा आएगा। सर, सर ये ऑर्डर प्लीज। It's okay। इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे इनका ऑर्डर by heart पता है। Chinese हक्का नूडल्स। क्या हुआ? हक्का नूडल्स सुनकर हक्की बक्की की हो गई तुम? Chinese तुम्हारा फेवरेट है ना? इतना चाइनीज खाते हैं कि चाइनीज लोग सामने आने से डरते हैं कहीं उनके उन्हें ना खा जाए। इनका ऑर्डर भी मुझे पता है। दाल मखनी, जीरा राइस, सरसों का साग और मक्के की रोटी। इन्हें पंजाबी खाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट इनका अगला गाना भी पंजाबी खाने के बारे में। सर वैसे आप दोनों मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप खाना भी उतना ही अच्छा बना लीजिएगा और मिर्ची कम डालिएगा। अरे नहीं नहीं, मिर्ची रखना, स्पाइसी चाहिए थोड़ा, मजा आता है। नहीं नहीं, अभी आपको मिर्ची डालने के लिए बोलेंगे और बाद में इल्जाम भी आप पे लगाएंगे कि आपकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। स्वाद के चक्कर में हमेशा अपनी तबीयत बिगाड़ लेते। सर वैसे आपकी वाइफ आपके बारे में सब कुछ जानती है, और एक मेरी वाइफ है जो खाने में मिर्ची तो छोड़िए, उसे ये तक नहीं पता है मुझे चाय में कितनी चीनी चाहिए। सर वो कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। मैम आपका इतना ख्याल रखती है, इतना ध्यान रखती है, तभी आप म्यूजिक पे ध्यान लगा पाते हैं। मुझे लगता है आपकी कामयाबी के पीछे इन्हीं का हाथ है। ओके थैंक यू। यस सर। क्या हुआ? उसने जो कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे समझ में नहीं आई बात उसकी। भगवान ये जैसे मुझे देख रहे हैं, लगता है वही सब पूछने वाले हैं। थैंक यू सर। सो सॉरी ओह गॉड, सो सॉरी लेट। Okay, start. या तो आप जानबूझ के बार बार मुझसे टकराते हैं, या फिर आपकी आंखें कमजोर हैं। Can't you be more careful? You know, इंसान कितना भी careful रहे, गलतियां तो वो करता ही है। इंसान तो गलतियां करने की जीती जागती मिसाल है। You and your lectures, not interested. जो तुम्हें कभी समझ में नहीं आते, जिस दिन आ जाएगी उस दिन तुम्हारे लाइफ के आधे एक्सीडेंट गायब हो जाएंगे। और जिस दिन आप जेंटलमैन बन जाएंगे ना, मेरी लाइफ की भी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही चली जाएंगी। ढंग से चला नहीं जाता और इधर लेक्चर दे रहे हैं मुझे। लास्ट टाइम भी याद है ना घर पर क्या हुआ था? यू नो यू हैव अ प्रॉब्लम, आई होप यू डू रियलाइज दैट। उस वक्त डांस करते हुए मेरे पैर पर मार दिया था और अभी यहाँ पर अभी टकरा थे। कैन यू सी दिस, माय स्क्रीन इज क्रैक्ड। आई मीन इंसानों वाली हरकतें तो है नहीं, जेंटलमैन वाली भी नहीं है। एक्चुअली काम क्यों नहीं करते? जेंटलमैन होना तो दूर की बात है, इंसान बनने की कोशिश करिए ना। ये बंदरों की तरह इधर उधर उछलना मत कीजिए। जेंटलमैन मैं हूं, इंसान भी हूं, अच्छा इंसान, इसलिए औरतों की रिस्पेक्ट करता हूं और उनका ख्याल भी रखता हूं। आई बेग टू डिफर, आप औरतों का ख्याल नहीं रखते। एक औरत है जो आपका ख्याल रखती है। बोलिए, दोबारा नहीं बोल सकती। मुझे नहीं लगता इन्हें मेरी बात याद है। अगर याद होती तो मुझसे सवाल करते। ना टाइम होगी बोलने में। पहले झूठ बोलकर देखती हूँ। अगर इन्होंने झूठ नहीं पकड़ा तो समझ जाऊंगी कि इन्हें कुछ याद नहीं है। वो कल कल जब आग लगी थी, आपको धुएं में परेशानी हो रही थी, मेरे आंचल में आग लग गई थी और उसके बाद आपको याद नहीं? मुझे याद है। मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हें याद है कि नहीं, तुम्हारी मेमोरी चेक कर रहा हूँ। उसके बाद बताओ क्या हुआ था। कभी कभी आप बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारे? प्यार कहा था तुमने? मैं तब की नहीं, आप अभी की बात कर रही हूँ। अभी की बात क्यों कर रही हूँ? मैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं हमेशा प्यार हुआ ना स्टार। क्या है ना, जो तारे होते हैं ना वो सबके दुलारे होते हैं, और तुम ये सब इधर उधर की बातें करके ना मुझे भटकाओ मत। ये बताओ
प्यार करती हो या नहीं करती हो। देखो अब झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, मैं झट से पकड़ लूंगा, सब याद है मुझे। अली शायद तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, बट सी यू कैन टॉक टू, क्या हुआ है तुम एटलीस्ट मुझसे शेयर कर सकती हो। उसका दिन ही खराब है। मैं म्यूजिक कंपनी में गई थी और वहां पर मुझे वो किंग मिल गया। मिला क्या, टकरा क्या? एंड कैन यू फ्रीकिंग बिलीव इट कि सॉरी बोलने के बजाय वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। मेरा सारा मूड खराब कर दिया उसने। अजीब सा बिहेव, क्या कहा उसने? लेक्चर देने लगा है। इमेजिन मुझे कहते आदमी औरत के ऊपर, यू नो दैट अबाउट सम स्टूपिड स्टफ अबाउट केयरिंग। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई होता है उनका ख्याल रखने के लिए। अफसोस तुम उनमें से एक नहीं हो। मुझे अनलकी कह रहा था, कहते मुझे तुम बहुत अनलकी लगती हो, एंड यू नो तुम्हारी लाइफ में कोई भी केयर करने वाला नहीं है जैसे मेरी लाइफ में। प्रज्ञा, प्रज्ञा माय फ्रिकिंग पुट। यू नो व्हाट आलिया, देखा जाए तो वो गलत नहीं है। आई मीन सही ही कह रहा है। हम दोनों की लाइफ में है कौन जो हमारी केयर करे? वो भी शायद इसीलिए बिकॉज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो भी काम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं, ना कि उस प्रज्ञा की तरह जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। वैसे तुम्हें लगता है क्या कि हमें अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए? आई मीन लोगों की तरफ हमारा जो बिहेवियर है, हमारा बात करने का तरीका है, या क्या कोशिश करनी चाहिए कि उनका दिल जीते ताकि हमसे हमारा कोई कुछ छीन ना पाए? जैसे प्रज्ञा, उसे देख लो, हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन उससे उसका कुछ छीन नहीं पाते। हेलो सनी। हाँ अशोक, आप मुझे क्रिश के बर्थडे पार्टी से लेने आने वाले थे ना? आई एम सो सॉरी कियारा, तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी, टाइम का पता ही नहीं चला। अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है, कियारा भी इधर है, आप मुझे लेने आ जाओ। ओके सनी, मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा को भेज देता हूँ, मैं एक्चुअली कहीं पर बिजी हूँ। नहीं अभी आओ, 5 मिनट में लेते हैं। 5 मिनट में तो कैसे पहुंचूंगी? लेकिन मैं अभी निकल रही हूँ, मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगी और अपनी डॉल को वहाँ से पिकअप कर लूंगी। ओके, आपने मुझे डॉल क्यों बुलाया? इस नाम से तो ना, मुझे तो मेरे सुपरमैन बुलाते हैं, ये मेरा सीक्रेट नाम है, आपको किसने बताया? अच्छा, तो ये डॉल नाम पे क्या तुम्हारे सुपरमैन का कॉपीराइट है? नाम से तो कोई भी तुम्हें बुला सकता है, मैं भी बुला सकती हूँ। ओके ओके चल, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। ओके वो मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए हमें अपनी डेट यहीं पर खत्म करनी होगी। डेट? तुम्हारे लिए जो कुछ भी था मेरे लिए तो डेट ही था। वो एक्चुअली मुझे जाकर सनी को पिकअप करना है, वो क्रिश के बर्थडे पार्टी पर है और कियारा भी वहीं पर है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उन्हें घर छोड़ता हूँ। अगर तुम डेट को कंटिन्यू करना चाहती हो तो मैं छोड़कर तुरंत आ जाऊंगा वापस, अगर तुम चाहती हो तो। तुम हो, मैं चलो। मम्मा आप निकल लिए? नहीं कियारा, मम्मा को ना कुछ जरूरी काम आ गया तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम ऐसा करना मायरा आंटी के साथ। मम्मा? अच्छा आप नहीं आ रही तो मैं सुपरमैन के साथ चली जाऊं? ये क्या हो रहा है, तनु का फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? मुझे ही अंकल को रोकना होगा, लास्ट टाइम भाग गए थे, पर आज नहीं भाग दे दूंगी। ऐसा हो नहीं सकता, उसने जरूर मेरा पुराना नंबर भी ब्लॉक किया है। टिपिकल तन्नो, काम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दूसरे नंबर से ट्राई करता हूं। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, और ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही, छोड़ूंगा नहीं। दिस इज नॉट डन, कांट ब्लडी टेक मी फॉर ग्रांटेड लाइक दैट। जल्दी
जो फोटो मैंने तुम्हें भेजी है वो क्यारा की, प्रज्ञा की बेटी। हेलो बेटा। कियारा, बेटा ये कोई फिल्म नहीं है जो सुपरमैन उठकर आएगा और तुम्हें बचा लेगा। यहाँ सिर्फ बैटमैन है, और अगर तुम चुप करके नहीं बैठी ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। यू अंडरस्टैंड? जरा शट अप। छोड़ो मुझे, छोड़ो। शट अप, जस्ट शट अप। केरा बाहर कैसे गई? केरा, मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा? नहीं नहीं, मुझे मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए। क्यारा बिल्कुल ठीक होगी, इनके साथ है ना, तुम बिल्कुल ठीक होगी वो। लेकिन इनका इनका फोन क्यों नहीं लग रहा? क्यारा कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा सुपरमैन तुम्हारे साथ है ना, बस अपनी आंखें बंद मत कर। क्यारा तुम सुन रही हो ना, प्लीज अपनी आंखें बंद मत कर। क्यारा डार्लिंग, प्लीज प्लीज कुछ बोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्यारा तुम्हारा तुम्हारा सुपरमैन, तुम्हारा डॉल चोर। हेलो, हेलो, क्या हुआ? सब सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, कियारा का एक्सीडेंट हो गया। मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। hey, कियारा, कियारा आंखें खोलो। कियारा याद है तुम मुझे वो रैप सॉन्ग सुनाती थी? एक बार सुनो ना प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसा गाती हो। कियारा, अच्छा ठीक है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन तुम बैठ कर सुनोगी ना कियारा, प्लीज। क्या क्या रैप सॉन्ग था? पापा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल, फुल फुल वुल, वुल फुल। कियारा बता ना, सही है गलत? तुम्हारा सुपरमैन तुम्हारे लिए गाना गा रही हुआ क्यों? ओपन योर आईज कियारा, प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना। कियारा बताओ, सुपरमैन सही गा रहा है गलत? बस आंखें बंद मत करना प्लीज। सनी सनी बात कर कियारा से, हम बस 2 मिनट में पहुंचेंगे हॉस्पिटल।
यार हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। ए, बैठ मत। वो सोफे की कील निकली हुई है ना, इसलिए मना कर रही हूँ। बहादुर, यहाँ ला पानी। क्यों आया तू इधर? हाँ, कहाँ हो तनु? बचाओ मुझे इस सब से। और सुनो बहादुर, जितना काम कहा जाए उतना किया करो। चले आए मुंह उठा के पानी लेकर। जा, जो काम बोला है वो जाके कर घर में। दीदी, इतनी बेइज्जती कर ली फिर भी नहीं जा रहा है। अरे वो मोटी चमड़ी का है, ठंडे खाए बगैर जाएगा नहीं। तुझे ठंड पाओ, अब इसे हम मार तो नहीं सकते ना। हिंदू, हम तमाशा करते हैं। देखते हैं गढ़ में गैर मर्द आया है, पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर गोरी चुड़ैल के बाल खींच के घर से दफा कर देगी। कैसी रही बता? अच्छी रही दीदी। जब उसको बाल से घसी देंगे कैसे लगेंगे? चल बता ना, ताली मार। रोके, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, रो मत, चल। कुछ नहीं होगा कियारा को, कियारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, चल। डैड का ये हाल है अपनी बेटी के लिए, तो माँ का क्या हाल होगा? प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी चलो। जी मैडम। पता नहीं कितनी चोट लगी है मेरी बच्ची, उसे मेरी जरूरत है। क्या रहा बेटा, आप डरना मत, मम्मा आ रही है बेटा, मम्मा जल्दी आ जाएगी। क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम आगे काम चल रहा है शायद। अरे लेकिन गाड़ी मोड़ लीजिए, आगे रास्ता बंद है। लेकिन रास्ता क्यों बंद है? मैडम आगे सड़क की मरम्मत हो रही है, लगभग 3-4 घंटे लगेंगे, तो आप प्लीज गाड़ी मोड़ लीजिए। जल्दी यूटर्न लो प्लीज। मैडम पीछे गाड़ियां हैं, इनके टर्न लेने के बाद ही हम चल पाएंगे। मैं नहीं रुक सकती। हॉस्पिटल में मैं उसी के पास जा रही हूँ अभी। जी? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं क्या करूं? तो मैंने अपनी गाड़ी से उस कियारा को बुला दिया। कियारा का एक्सीडेंट हो गया? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सब ठीक तो है ना? कैसे हुआ? पता नहीं भाभी, जीजू तो कियारा और सनी को लेकर पार्क गए थे, वहाँ पर किसी ने सड़क पर उसे उड़ा दिया, भाग नहीं गया ना मेरी बच्ची। पता नहीं क्या मुझे ना पल पल की खबर देते रहना, मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ जाओ। मैं इसे सब सच बता दूं? दिशा? हाँ भाभी, वो मैं ये कह रही थी कि ये कह रही थी कि ना तुम ध्यान से जाना, हाँ, और गॉड जी सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करना। बहादुर जी, पत्ते तो खोल नहीं है, पर अभी टाइम नहीं आया मिताली, राइट टाइम आने का वेट कर दो, जब धमाका भी ज्यादा होगा और तेरा फायदा भी ज्यादा होगा। प्रज्ञा, तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ किया है ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। किसे देख रहे हो आप? मेरी बेटी कियारा को ढूंढ रही मैं, उसका एक्स,
सात साल की छोटी है बहुत, उसको चोट लगी हो, इमरजेंसी का कहा। अच्छा, हाँ मैम, अब मिस्टर अभिषेक मेरा की बेटी की बात कर रही हैं। जी मैम, उनकी बेटी का ही एक्सीडेंट हुआ है और वही बच्ची को लेकर आए हैं यहाँ पे। आपकी तरह हम भी शॉक में थे मैम कि इतनी बड़ी रॉकस्टार की कोई बेटी भी है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। ही इज अ वेरी गुड फादर, उस पर जान छिड़कते हैं वो। अभी उसका ही ऑपरेशन चल रहा है मैम। कहाँ है ऑपरेशन थिएटर का? सेकंड फ्लोर रूम नंबर 3। थैंक यू। सनी, तू मेरा एक काम करेगा प्लीज? या तू कियारा के साथ रहेगा? मैं गॉड से बात करके आता हूँ। मैडम, यहाँ से जस्ट लेफ्ट लीजिए, आगे कॉरिडोर आएगा उसके बाजू में। क्यारा होने की बेटी, आज क्यारा को अपनी मम्मा के साथ साथ अपने पापा की भी जरूरत है और दोनों उसके साथ होंगे। मुझे पता है ना, हमारे चक्स तो कियारे से कितना प्यार करते हैं, वो उसके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मुझे पता है। पर आंटी, मुझसे गलती हो गई, गलती मेरी है। हम लोग पार्क में खेल रहे थे पर मैंने ही कियारा का ध्यान नहीं रखा। बेटा, किसी की गलती नहीं है। अभी तक प्रज्ञा ने भाई को कियारा के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक बार भाई अगर उन्हें देख लेंगे तो नहीं देखेगा अभी। इससे पहले कि अभी उसे देखे, मुझे कुछ करना होगा। आई मीन, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ पे जाके कुछ होगा, अभी जाती हूँ। अरे कहाँ जा रही है तुम? जस्ट काम डाउन। और ऐसा भी तो हो सकता है जैसा हम सोच रहे हो वैसा कुछ हुआ ही ना हो, कियारा को ज्यादा लगी ना हो। तुमने सुना नहीं निखिल ने क्या कहा? निखिल ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया है। अगर सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करना है तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हम बैठे और वहाँ पर प्रज्ञा और कियारा भाई को मिल चुके हैं हॉस्पिटल में। पेपर वर्क हो रहा होगा, भाई को पता चल जाएगा कि कियारा प्रज्ञा की बेटी है, यानी कि उनकी बेटी है। प्लीज 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 उसे मत बोलो। प्लीज तुम भी मुझे मत बताओ कि क्या सुना है क्या नहीं सुना है। ठीक है, नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर अब क्या करना है? देखो, आप ही के सामने किसी ने मुझसे कहा था कि आप लोगों को वो चीज देते हैं जो उनके पास नहीं होती। आप उन्हीं की हेल्प करते ना जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, तो आज मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इतने बड़े हादसे के लिए वो बहुत छोटी है, एक छोटी सी करोच पर उसके आंसू निकल आते हैं तो उसका इतना खून बहा है। अब इतने सारे इंजेक्शन, सर्जरी, कैसे आप बताओ कैसे बर्दाश्त करेगी वो इस तकलीफ को? प्लीज प्लीज उसे हिम्मत दीजिए कि वो इस तकलीफ से लड़े। प्लीज उसे हिम्मत दीजिए कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर आपको आकर थैंक यू बोले। प्लीज
मैं नहीं देख सकता उसे इस हालत में। मैं अपनी तितली को उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ, उसे खुश देखना चाहता हूँ। आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, बस प्लीज प्लीज मुझे मेरी खुशी दे दीजिए, प्लीज प्लीज उसे बचा दीजिए। आलिया, 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 आलिया! एक मिनट, अभी आई तनु। अरे एक एक मिनट बहुत कीमती है, जल्दी बाहर आओ प्लीज। बहादुर ने कहा कि तिशा हॉस्पिटल गई है, मतलब मिरेकल नहीं हुआ। आलिया मिरेकल नहीं हुआ, आलिया क्या रख के साथ हमारी जिंदगी भी खतरे में। आलिया मैं तिशा को फोन करती हूँ। तिशा कहाँ हो तुम? दिशा तनु, अगर तुमने मुझसे बहस करने के लिए मुझे कॉल किया है ना, तो प्लीज तुम्हारी बकवास सुनने का अभी मेरे पास टाइम नहीं। कि तुम एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? इसलिए एटीट्यूड दिखा रही हूं ना, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि क्यारा अभी और प्रज्ञा को एक करने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएगी। जस्ट बिकॉज उसका एक्सीडेंट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कैसे पता चला क्यारा का एक्सीडेंट हुआ है? मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आया था, उसने कहा कि वो उसी रास्ते से जा रही थी जहाँ पे क्यारा का एक्सीडेंट हुआ। उसने कहा कि किसी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ और अभी भी वहीं पर है। अभी ने उस बच्ची को गोद में उठा के रखा है और मुझे ये बात पता थी कि अभी सनी को उसकी फ्रेंड के घर से वापस लाने गया है, तो ऑब्वियसली वो क्यारा होगी ना। एक मिनट तनु, तुमने अभी ये कहा कि क्यारा प्रज्ञा और जीजू को एक नहीं कर पाएगी, क्या जानती हो तुम? वाह, अभी कह रही थी कि तुम्हारे पास फालतू बातें करने के लिए फालतू टाइम नहीं है और अभी खुद ही फालतू बातें किए जा रही है। हम दोनों जानते हैं कि क्यारा प्रज्ञा की बेटी है, मतलब अभी की बेटी। तो ये नाटक ना करके हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते। ओह, तो तुम्हें पता है? पता था या नहीं था वो बात छोड़ो, लेकिन अभी और प्रज्ञा एक नहीं हो सकते। ऐसा तुम चाहते हो, पर तुम्हारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक होंगे और उन्हें एक करने के लिए उनके बीच उनकी बेटी आ चुकी है।